हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डा ढिमोले आज आपको मेरे चैनल में फिर स्वागत करता हूं। आप देखिए, आज मैं एक बड़े अजीब और गरीब जगह पर खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं नर्मदा के रेलवे ब्रिज पर। मेरे पीछे देखिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीसरी लाइन का काम चालू है। उस तरफ रोड का ब्रिज है। सामने देखिए, भोपाल तरफ से पूरी ये ट्रेन आती है यहाँ से, और इस तरफ से होशंगाबाद को जाती है। नीचे माँ नर्मदा कलकल बह रही हैं। और मैं आज इस ब्रिज पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि सन 1880 में, जब रेलवे अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ये ब्रिज बना था, ये वाला, तो इस ब्रिज को बनाते वक्त बहुत तकलीफ़ आई थी, जैसे जनश्रुतियाँ मान्यताओं के हिसाब से। और उस वक्त ये तीसरे नंबर के पिलर के नीचे एक देवी माँ की मूर्ति निकली थी अंदर से, तो वो हिंगलाज देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं वो माता। वैसे हिंगलाज धाम हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक है, और जो पाकिस्तान के कराची के पास में स्थित है। लेकिन उस मूर्ति को हिंगलाज माता की प्रतिकृति मानकर, और यहाँ के आचार्यों और विद्वानों ने उनको हिंगलाज माता की दर्जा दिया, और उनकी मूर्ति को बाजू में यहाँ पर स्थापित किया है। तो मैं आज आपको हिंगलाज माता का जो स्थान है और जो ज़मीन के अंदर बनाया हुआ है, ज़मीन के ऊपर नहीं है, ये एक बड़ी अद्भुत जगह है यहाँ की, होशंगाबाद की, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। बाहर के आते हैं, नर्मदा के दर्शन कर चले जाते हैं, और जो मंदिर जानकारी में है उनके कर लेते हैं, लेकिन हिंगलाज माता के दर्शन कहाँ होंगे आज में? या तो होंगे पाकिस्तान में, या होंगे होशंगाबाद में, क्योंकि ये उनका जब माता का शीश कट के गिरा था तो वो पाकिस्तान के में कराची के पास गिरा था। तो हमारे 51 शक्ति पीठ में से एक पीठ वहाँ पर है, तो उनकी प्रतिकृति के रूप में यहाँ पर माँ हिंगलाज विराजमान है। तो चलिए हम हिंगलाज माता के दर्शन करेंगे। और ये नज़ारा देखिए आप, ये व्यूज़ देखिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये व्यूज़ दिखाएं, इस तरफ से दिखाएं माँ नर्मदा का कितना चौड़ा तट है, ये दिखाएं। ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है, ये बुधनी गाँव है, ये इधर होशंगाबाद है, ये बुधनी गाँव है। और देखिए एक ट्रेन आ रही है, आपको एक ट्रेन का दृश्य दिखाएँगे। ये देखिए, ये ट्रेन निकल गई है, कामायनी एक्सप्रेस है ये, गोरखपुर से मुंबई जाने वाली। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा लगता है यहाँ से जब कोई वीडियो शूट किया जाता है। तो अब हम चलेंगे, ये ट्रेन निकल जाए, इसके बाद जगह खाली होने के बाद माता हिंगलाज देवी के दर्शन के लिए। चलें, अब ट्रेन चली गई, अब हम भी चलें माता हिंगलाज के दर्शन को। अब हम आ गए हैं माता हिंगलाज के मंदिर के प्रांगण में, और अब चलते हैं माता के दर्शन को। ये देखिए पीछे ब्रिज था जहाँ अभी हम खड़े थे ऊपर, और अब हम आ गए हैं नीचे से, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, इस सीढ़ियाँ उतर के आ गए हैं। और मैं आपसे कहूँगा थोड़ा आप यहाँ पर घुमा के दिखाएं। ये देखिए ये माता का मंदिर, हम आ चुके हैं। जैसे कि ये माता का मंदिर, ये पीछे माता का मंदिर है, यहाँ रेलवे की जगह है ये, क्योंकि रेलवे कई सब कुछ है, लेकिन आम लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, अपना पिकनिक पार्टी वगैरह यहाँ पर होती रहती हैं, लोगों बच्चों के बर्थडे जन्मदिन सब यहाँ मन जाते हैं, रेलवे की परमिशन लेना पड़ती है। माता हिंगलाज का मंदिर वो है। तो अभी हम आइए चलते हैं माता हिंगलाज के मंदिर में। 51 शक्तिपीठों में से ऐसा है कि कई शक्तिपीठ बाहर हो गए हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त। हिंगलाज का पाकिस्तान में हो गया है, बांग्लादेश में भी हो गए हैं दो शक्तिपीठ, एक तिब्बत में भी, एक ऐसी जानकारी में है कि तिब्बत में भी एक शक्तिपीठ है। तो लेकिन माता हैं, किसी भी रूप में कहीं भी प्रकट हो सकती हैं, तो यहाँ मान्यता तो हिंगलाज देवी की है, तो हम वहीं जाकर आपको उनका दर्शन करा रहे हैं आज।
तो आप देखिए मेरे पीछे माता हिंगलाज देवी का मंदिर है, आपको दिख रहा होगा ऊपर देखिए लिखा है हिंगलाज देवी मंदिर। ये मंदिर है, अब हम मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आइए आप मेरे साथ, चलिए आइए। यहाँ पर कोई पूजा चल रही है। जय माँ जगदम्बा, जय। के बाद में दूसरा रखो, बोलो हरिओम तत्सत। चलिए हम चलते हैं नीचे माता के मंदिर के नीचे गर्भगृह में, जहाँ पर माता हिंगलाज देवी विराजमान है। और ये हिंगलाज माता की प्रतिकृति है, और ये मूर्ति जो है माँ नर्मदा की गर्भ से उत्पन्न हुई मूर्ति है। तो ये देखिए आप, साक्षात माता हिंगलाज बैठी हैं यहाँ पर। हम इनकी स्तुति कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तस्य 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 नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ओम नम सह ओम पूर्वस्वः ओम त्र्यम्बकमिजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकीं भद्रां मृत्योर्मुक्षीयमां भवः। तो हमने आज हिंगलाज माता के दर्शन किए, आपको भी हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन कराने के पूरे प्रयास किए हैं। आप जब भी होशंगाबाद आएँ, इस गुप्त स्थान पर आकर माँ हिंगलाज के आशीर्वाद का लाभ जरूर लें। ये एक बड़ा सिद्ध स्थान है यहाँ का। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज ये हिंगलाज देवी के मंदिर का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो आप जब भी होशंगाबाद आएँ, माँ नर्मदा के स्नान तो सभी करते हैं, आएँ और इस गुप्त जगह पर आकर इन माता के दर्शन अवश्य करें। और वीडियो आपको अच्छा लगता है, लगा हो मेरा छोटा सा प्रयास, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आ सकूं। धन्यवाद।